एक बार इस सड़क को देखिए जो खुद अपनी हालत बयां कर रही है। सैकड़ों ग्रामीण इस सड़क से होकर गुजरते हैं। ऐसे में एक युवक ने सरपंच साहब से इस सड़क को बनवाने की गुहार लगा ली, लेकिन उस युवक को शायद ये नहीं पता था कि उसकी ये गुहार उसका गुनाह बन जाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। गांव में अपने घर के सामने वाली सड़क नहीं बनाए जाने का सवाल सरपंच से करना इस युवक को भारी पड़ गया। युवक ने सरपंच से सिर्फ ये पूछा कि सड़क अब तक क्यों नहीं बनी, लेकिन सरपंच को ये सवाल इतनी चुभ गई कि गुस्साए सरपंच ने गाली गलौज करते हुए ग्रामीण को थप्पड़ जड़ना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। पहले ये वीडियो देखिए। बड़ा छोटा हो गए, सरपंच को गाली दे। हो जाएगा सुबह से क्यों बात नहीं किया बे? मामला बीजापुर के भोपालपट्टनम के गोल्लागुड़ा गांव का है। वायरल वीडियो में ग्रामीण को मार रहा ये शख्स कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रमेश पाम भोई हैं, जो गांव के सरपंच भी हैं, जिनकी नागेश नाम के ग्रामीण से पहले तो बहस होती है, फिर थोड़ी देर बाद वे हाथापाई पर उतर आते हैं। अब ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने फिर एक बार विपक्ष को हवा दे दी है। भाजपा ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर एक बार फिर भूपेश सरकार को घेरा है। बीजेपी ने कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष के इस हरकत को कांग्रेस की गुंडागर्दी करार दिया है। 15 साल से सरपंच से गली सड़क बनवाने की मांग ग्रामीण करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक सड़क नहीं बनी, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। इसी मसले को लेकर जब सरपंच से सवाल किया गया तो रमेश अपना आपा खो बैठे और तैश में आकर ग्रामीण के साथ मारपीट करते हुए गाली गलौज करने लगे और हाथापाई पर उतर आए। 10 साल तक हो रहा है, 10-15 साल हो रहा है, अभी तक नहीं बन रहा है रोड, बोल के यही बात से बोला था। उसके बाद गाली गलौज में आए और कहते मेरे को क्या तो मारे हो, कितने थप्पड़ मारे? 3-4 मारे, चार थप्पड़ मारे। और गर्दन वर्दन दबाए क्या? धकेले हैं। अच्छा, आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेन किया है? नहीं। वही इस मामले को लेकर पामभोई का कहना है कि ग्रामीण ने उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाया था। अपनी गलती को छुपाने के लिए उन्होंने क्या सफाई दे डाली, ये भी सुनिए। मैं तो तब माँ बहन को बोला, तब मेरे को गुस्सा लगा, फिर मैं भी अपने आवेश को रोक नहीं पाया। मैं सरपंच के नाते 2-4 मारा, सरपंच के साथ गाली गलौज कर रहा है। बस इतना में शांत भी था, कल भी वायरल ने किया, उसके बाद वो आज सही हुआ मालूम हुआ व्हाट्सएप के माध्यम से। तो आप सरपंच होंगे तो क्या आपको अधिकार मिल जाएगा कि आप किसी पे हाथ उठा दें? नहीं है सर, नहीं, मैं तो ऐसा आज तक नहीं किया हूँ, लेकिन मेरे माँ बहन को बोलेगा कि मेरे को तो थोड़ा सा लगेगा ना। माँ बहन मेरे को पर्सनल बोलता, मैं उसको आज भी नहीं उठा, तो आज तक उठाया भी नहीं। और जितने भी हो गई यार, कोई भी केस में जाते हैं तो मैं थाना कचहरी जाके छुड़ा दिलाता हूँ, ना काम करता हूँ। उसके बाद छोटे का किसी के बहकावे में आके किया होगा वायरल। इधर इस वायरल वीडियो से मराड समाज में रोष है। मराड समाज के अध्यक्ष अप्पा राव लंबाड़ी ने घटना को गंभीर बताते हुए समाज की तरफ से ठोस कदम उठाए जाने की बात कही है। ऐसी घटना कभी होते रहेगा तो और बढ़ेगा, तो इसको फिर आगे कदम बढ़ाएंगे हम लोग, बोल के फिर विचार करके फिर इसको आगे फिर आगे कदम बढ़ाते हैं। तभी सरपंच के प्रति आक्रोश है? हाँ, आक्रोश कर रहे हैं सर। बिना आक्रोश नहीं करेंगे तो ऐसे ही होगा, तो आने वाला समय आने वाले पीढ़ी के लिए घातक बने रहेगा, ऐसी दबा देगा। तो हम लोग वो विषय में आते हैं और उसको पूरा सीट हम लोग दे रहे हैं। 15 साल से उनको सरपंच गिरी कर रहे हैं, पूरा दिल्ली समाज की ओर से दे रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो सरपंच की कारस्थानी से गांव के लोग त्रस्त हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सत्ता दल से होने का घमंड दिखाकर वो उनकी बात नहीं सुनते, पद और रसूख का धौंस दिखाते हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देती है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। छत्तीसगढ़ की ऐसी ही खबरें अब आपको व्हाट्सएप पर भी मिलेंगी। ऐसी खबरों को पढ़ने और देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। सुकमा से धर्मेंद्र महापात्र की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।